दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि जो ओप्पो A71 मोबाइल है CPS 1717 जिसका कि सिक्योरिटी अपडेट हो चुका है, तो लेटेस्ट सिक्योरिटी 2019 को किस तरह से आप जो है उसका FRP और पिन पैटर्न लॉक को रीसेट कर सकते हैं मेडिकल बॉक्स से, और मेडिकल बूट जीक को कैसे यूज कर सकते हैं और मल्टी बूट केबल को कैसे यूज कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो दोस्तों आप यहां पे सामने देख रहे हैं, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं मेडिकल टूल ओपन करके, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप मेडिकल बूट जीक का यूज कर सकते हैं और मल्टी बूट केबल अगर आपके पास है तो किस तरह से उस बूट केबल को यूज कर सकते हैं और ओप्पो A71 CPS 1717 लेटेस्ट सिक्योरिटी को जो है किस तरह से उसका FRP पिन पैटर्न को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मेडिकल टूल ओपन कर लिया है, चलिए हम यहाँ पे ब्रांड पे क्लिक करके जो है मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं ओप्पो A71। उसके बाद हमें फॉर्मेट पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें सेफ का चेक हटाना है, ठीक है, सेफ मोड का चेक हटा देना है और ऑटो पे चेक रहेगा, एडवांस FRP पे चेक रहेगा, स्टार बटन पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास मान के चलिए मेडिकल बूट जीक केबल आपके पास है तो उस केबल से आपको बूट कराना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों को कंटिन्यू दबा करके बूट करा सकते हैं, या कभी वॉल्यूम माइनस दबा करके बूट करा सकते हैं या कभी वॉल्यूम प्लस दबा के बूट करा सकते हैं। और अगर आपके पास अगर मेडिकल बूट जीक है तो आपको कोई बूट की दबाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास ये वाला मेडिकल बूट जीक है तो आपको कोई बूट की दबाने की जरूरत नहीं है, इस बूट जीक को आपको डायरेक्ट डाटा केबल में लगाना है और डाटा केबल को कंप्यूटर में लगाना है और इस बूट जीक को अपने मोबाइल में लगाना है, मोबाइल को ऑफ करके कोई बूट की मोबाइल में नहीं दबाना है, डायरेक्ट आपका मोबाइल बूट कर जाएगा, ठीक है। और मान के चलिए अगर आपके पास ये केबल नहीं है, आपके पास मल्टी फंक्शन ऑल इन वन बूट केबल है, ये केबल है, तो इसका एक नंबर वाला स्विच जो है आप इसे ऑन कर देंगे, बाकी स्विच को आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। इसमें आपके पास अगर SPD या MTK का अगर कोई भी मोबाइल है तो इसमें कोई भी बूट की आपको मोबाइल में नहीं दबाना है, कोई भी वॉल्यूम डाउन आपको डाउन या प्लस नहीं दबाना है, डायरेक्ट मोबाइल को ऑफ करके केबल लगाना है, ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल बूट कर जाएगा। तो उसी तरह से आप इस देख रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो में मैं जो है ऑटोमेटिक जो है मल्टी बूट केबल से बूट करा रहा हूँ इसे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑटोमेटिक ये मोबाइल जो है अभी बूट करेगा और इसका FRP और पिन पैटर्न जो है यहाँ से रिसेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो में जो आपको दिखा रहे हैं इसमें हमने जो बूट जीक का इस्तेमाल किया है मल्टी बूट केबल का, ठीक है, उसके जरिए से मैंने इस मोबाइल को बूट कराया है, ठीक है, और ये मोबाइल डायरेक्टली बूट हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा FRP और यूजर डाटा, इस पर आपको चेक लगा हुआ रहने देना है और आपको ओके कर देना है और कुछ ही देर में आपका मोबाइल जो है फॉर्मेट हो जाएगा और FRP भी रिसेट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल जो इसका FRP लेटेस्ट सिक्योरिटी ओप्पो A71 CPS 1717 का FRP रिसेट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।